गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव एडो कमेटी के भंग होने से थोड़े वक्त के लिए आगे खिसक गया है। ये कहना है डीसी गुरुग्राम निशांत कुमार यादव का। दरअसल बीते काफी समय से वार्ड बंदी के ड्राफ्ट को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही थी कि प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी एडो कमेटी को भंग कर दिया गया था, जिसकी नई एडो कमेटी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। वहीं डीसी गुरुग्राम की मानी तो गुरुग्राम नगर निगम के टोटल 40 वार्ड होंगे जिनका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और जैसे ही नई एडो कमेटी का गठन होगा वैसे ही एडो कमेटी मेंबर्स से वार्ड बंदी ड्राफ्ट को अप्रूव करवा सरकार के पास नोटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। नगर निगम के गुरुग्राम जिले में एमसीजी के और एमसीएम के दोनों के चुनाव पेंडिंग है और उसमें जो मानेसर की प्रक्रिया है वो हमारी लगभग पूरी हो गई है। एडहॉक कमेटी के सामने हमने एक ड्राफ्ट वार्डबंदी का प्रपोजल रखा भी है और उनसे कमेंट्स मांगे हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस हफ्ते तक उसको कंप्लीट करके सरकार के पास नोटिफिकेशन के लिए भेज दें। जहां तक गुरुग्राम की बात है उसमें हमने एक ड्राफ्ट वार्डबंदी बना ली है लेकिन सरकार के स्तर पर अभी एडहॉक कमेटी दोबारा से बनाए जाने की प्रक्रिया पेंडिंग है। पहले सरकार ने एक एडहॉक कमेटी बनाई थी लेकिन उसको भंग कर दिया गया और अभी दोबारा से एडहॉक कमेटी का नोटिफिकेशन होना है जो कि 2-3 दिन में हो जाएगा। जैसे ही वो होता है तो हम एडहॉक कमेटी के सामने वो ड्राफ्ट वार्डबंदी रख देंगे और उनसे अप्रूव करा के सरकार को भेज देंगे। वहीं मानेसर नगर निगम चुनावों के लिए गुरुग्राम के जिला उपायुक्त की माने तो मानेसर के वार्ड बंदी ड्राफ्ट को सरकार के पास नोटिफिकेशन के लिए भेजा जा चुका है क्योंकि मानेसर नगर निगम का गठन कुछ समय पहले ही हुआ है, लिहाजा मानेसर नगर निगम का ये पहला चुनाव होगा जिसमें वार्डों की संख्या 20 रखी गई है। यानी मानेसर नगर निगम चुनावों का रास्ता एकदम साफ है, बस सरकार की ओर से हरी झंडी दिखाया जाना और चुनाव आयोग कब चुनाव करवाएंगे इसके बाद कभी भी मानेसर नगर निगम चुनाव करवाए जा सकते हैं। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि सरकार फरीदाबाद मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव एक साथ करवाने की तैयारियों में जुटी है। गुड़गांव में 40 वार्ड हैं, मानेसर में 20 वार्ड हैं और हमने दोनों के ड्राफ्ट वार्ड्स बना लिए हैं और एडहॉक कमेटी नामित होते ही गुड़गांव के केस में उसके अप्रूवल करा के सरकार को नोटिफिकेशन करा देंगे। उसके बाद एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया आती है, वो हम इनवाइट करेंगे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 10 दिन के लिए। तो टेंटेटिवली अगर मैं कहूं कि अगर सब कुछ स्मूथ जाता है तो टेंटेटिवली बाई फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हमारी पूरी की पूरी वार्डबंदी प्रक्रिया नोटिफाई हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन की प्रोसेस शुरू की जा सकती है। देखिए इस स्टेज पे कहना मुश्किल होगा, जब तक एक बार वार्ड्स नहीं बन जाते तो एक बार हम मार्च में जब वार्ड बन जाएंगे उसके बाद ये कॉल जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन को लेना है, सरकार को लेना है, तो उनके स्तर पे हम केस भेजेंगे, जैसे वहां से फैसला होता है तो हम इलेक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तैयारी है, इस बार जो नंबर ऑफ वार्ड्स हैं वो भी बढ़ेंगे क्योंकि नए जो एरिया जो इंक्लूड हुए हैं एमसीजी में और एमसीएम में तो इलेक्शन ही पहली बार ही हो रहा है, तो एक ये एक मुश्किल टास्क होगा लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और इसको बड़े फेयरली और अच्छे तरीके से हम इलेक्शंस करवाएंगे। वहीं नगर निगम चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा द्वारा जहां नगर निगम चुनावों को लेकर उम्मीदवारों और मेयर के आवेदन तक लिए जा चुके हैं तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने संगठन का गठन करने में जुटे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।